हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजीत हेयर केयर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। गाइस, आप आपको बताने वाले हैं नैनोप्लास्टी, और नैनोप्लास्टी होने वाली है बहुत ही रफ और डैमेज हेयर पे, जिन्होंने कई सालों से अपने बालों पे कुछ नहीं कराया। सबसे पहले करेंगे हम वॉश, ठीक है। वॉश भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। देखिए वॉश का तरीका, अगर आपके सिर में जाग नहीं बन रही तो समझ लो कि आपका सिर बहुत गंदा है। आप दो बार भी शैम्पू कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि बहुत लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। नैनोप्लास्टी का प्रोसीजर होने वाला है आपके सामने। वॉश हमने कर दिया, अब करेंगे हम इसको ड्रायर, क्योंकि ये गीले बालों पे एप्लीकेशन नहीं होता। सबसे पहले आप नोटिस कर लें कि गीले बालों पर नैनोप्लास्टी एप्लीकेशन नहीं होता, तो प्लीज़ बालों को पूरा फुल टू ड्राई करना है। फुल टू ड्राई कर लिया हमने, अब करेंगे इस पर क्या करेंगे, इल्यूमिनेटर सीरम लगाएंगे, जिससे हम प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग का रोल नहीं होता, और देखो सीरम भी कितना लगा रहा हूँ मैं, कंजूसी से नहीं लगा रहा हूँ। लग रहा है जैसे 5000 की बोतल है, मगर आप मेरे पास आएँ, आपको पूरा फुल टू केयर मिलेगा। देखो कितना बाल डैमेज है, कितना फ्लफी है, बहुत ही डैमेज बाल था। जाने की देखो, मुझे भी सीरम बहुत लगाना पड़ा कि हीट प्रोटेक्ट करे इसको, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपने प्रोडक्ट को एप्लीकेशन, यानी कि W1 फ्लोरा एक्टिव। नैनोप्लास्टिक का ये एडवांस वर्जन है, सेकंड जनरेशन ट्रीटमेंट है। प्लीज़ आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछिए। ये देखिए, ठीक है, इसका इस तरह से बोतल होती है इसकी। ये मैंने जो एलिमिनेटर सीरम लगाया था इसको साथ में, अब क्या करेंगे, एक घंटा रखने के बाद हम 100 ml वाटर से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हम रिंस आउट कर देंगे। देखिए रिंस आउट, क्लाइंट कान में इसलिए बोल रही थी, क्लाइंट के कान में पानी चला जाता है, इसलिए वो बार बार कान की तरफ इशारा कर रही है। प्लीज़ आप इसे अदरवाइज मत मानिए। और ये देखिए हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मल्सिफिकेशन कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है हम इसको स्किन जोट कर लेंगे। पूरा प्रोसीजर आपके आंखों के तले और आपको पूरा बताया जा रहा है, आप घर में कर सकते हो। ये देखिए, ये निकाल लिया हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। मगर क्लाइंट जो कलर यूज़ करते थे बहुत ही, समझो मैं कह नहीं सकता, घटिया, मतलब कि अच्छा कलर नहीं, ठीक है। आप ही प्लीज़ बचे रहें। 100 ml पानी के बाद हमने क्या करना है, अब इसको मीडियम हीट पर ड्राई करना है हेयर्स को। तो भैया हम क्या कर रहे हैं, मीडियम हीट पे ड्राई करके उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेसिंग शुरू करेंगे। और 170 और 190 का हमने टेम्परेचर रखा है, क्योंकि हेयर बहुत ड्राई था। अगर हम 210 और 230 रखते तो बाल जल भी सकता था। ये रिजल्ट आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।